फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है लवली स्पीक चैनल में। इसमें हम सेकंड पार्ट देखेंगे मसालों के नाम, स्पाइसेस करके एक और वीडियो आ चुका है और ये नेक्स्ट है। सो फर्स्ट है लौंग। लौंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोज या क्लोज। तेलुगु में लवंगालू बोलते हैं। लवंगालू, लौंग से लवंगालू बना है। सो नेक्स्ट है धनिए के पत्ते। बहुत टेस्टी हो जाता है ना, किसी भी सब्जी में रख दीजिए धनिया का पत्ता, मस्त टेस्टी हो जाता है। सो धनिए के पत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरिएंडर लीव्स। कोरिएंडर लीव्स दो तरीके होते हैं, कोरिएंडर और सिलेंट्रो। दोनों अलग अलग चीजें हैं, लोग अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं, दोनों एक ही सोच लेते हैं। नहीं, सिलेंट्रो अलग, कोरिएंडर अलग। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अच्छा, सो इसको तेलुगु में बोलते हैं कोत्ती मीरा। कोत्ती मीरा, मीरा की दीवानी, कोत्ती मैं दीवानी हूँ धनिया पत्ता की। सो नेक्स्ट है धनिया के बीज। धनिया के बीज भी होते हैं, जिसको पाउडर बना के भी वेजिटेबल्स कड़ी में रखे जाते हैं, नहीं तो बहुत जगह खड़ा मसाला भी यूज होता है। सो धनिया के बीज को क्या बोलते हैं? कोरिएंडर सीड्स। कोरिएंडर सीड्स और तेलुगु में धनिया आलू बोलते हैं। धनिया आलू। सो नेक्स्ट देखते हैं धनिया बीज जमीन। यहाँ क्या है? जमीन ग्राउंड, धनिया बीज कोरिएंडर सीड्स। पाउडर है बेसिकली, तो इसको तेलुगु में धनियाला पोड़ी बोलते हैं। धनियाला पोड़ी, पोड़ी मतलब पाउडर। ऐसे भी बोल सकते हैं धनिया के बीज का पाउडर। सो धनिया के बीज का पाउडर धनियाला पोड़ी। सो नेक्स्ट है क्यूमिन सीड्स, जीरा। जीरा कोई भी सब्जी बनते हैं, करी बने, उसमें शुरू में फोरन के लिए फोरन डालते हैं ना, जीरा। फोरन को तेलुगु में बोलते हैं तिरगवाता, इंग्लिश में सीजनिंग। सीजनिंग, सो क्यूमिन सीड्स। तेलुगु में जीला कर्रा बोलते हैं। जीला कर्रा। सो नेक्स्ट है काला जीरा। जीरा काला, सो उसको क्या बोलते हैं? क्यूमिन सीड्स ब्लैक। और तेलुगु में नल्ला जीला कर्रा बोलते हैं। नल्ला नलुपु से आया है। नल्ला मतलब ब्लैक एज एन एडजेक्टिव, ब्लैक एज एन एडजेक्टिव। सो नल्ला जीला कर्रा, ब्लैक क्यूमिन सीड्स। सो नेक्स्ट है करी पत्ते। ये भी बहुत पोहा में रख दीजिए, करी में रख दीजिए, कोई भी चीज में रख दीजिए, एक मस्त वाला स्मेल आता है और टेस्ट भी। सो करी पत्ते, करी लीव्स इंग्लिश में, और तेलुगु में करीवे पाकु। तेलुगु में करीवे पाकु। सो नेक्स्ट है सौफ के बीज। सौफ होता है ना फेनल, तो सौफ के बीज फेनल सीड्स। तेलुगु में सोमपू बोलते हैं। सोमपू, सौफ से आया है वर्ड सोमपू। सो ये भी वेजिटेबल स्वीट ये सब में यूज होता है। सो नेक्स्ट है मेथी के पत्ते सूखे। सो मेथी का पत्ता को बहुत लोग सुखा के भी रखते हैं ना, सो उसको मेथी के पत्ते सूखे, ड्राइड फेनोग्रीक लीव्स। और तेलुगु में एंडू मेंती आकुलू। एंडू मतलब सूखा, मेंती आकुलू मतलब बेसिकली यही है, फेनोग्रीक लीव्स, मेथी के पत्ते, एंडू मेंती आकुलू। अगर सिर्फ मेथी के पत्ते बोलना है तो मेंती आकुलू, फेनोग्रीक लीव्स, और सूखा बोलना है तो आगे में ड्राइड और इसमें एंडू लगा दीजिए। सो दूसरा मेथी के बीज फेनोग्रीक सीड्स को मेंतुलू, फेनोग्रीक सीड्स, मेथी के बीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको ये वीडियो मसालों के बारे में जान के? कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं लवली स्पीक्स चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए। और भी कुछ कुछ मसालों के बारे में जानना है, नाम जानना है, तो बोल दीजिए, हम वो भी बनाएंगे। थैंक यू।